आज हमें देखना है त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार हमें देखना है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार क्या है, सबसे पहले त्रिभुजों को क्या है, कितने प्रकारों में बांटा गया है, वो दो प्रकार के बाद दो आधारों पर बांटा गया, एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। तो हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, त्रिभुज को दो प्रकार के भागों में बांटा गया, ठीक है, एक आपको बांटा गया है कोणों के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और आपका ये क्या है, कोणों के आधार पर, ठीक है, कोणों के आधार पर, ठीक। भुजाओं के आधार पर कितने, भुजाओं के आधार पे, ठीक है, भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के, मुख्य रूप से तीन प्रकार के आपको पढ़ना है। आपको दो भुजाओं के आधार पे हम पहला बताते हैं, ठीक है, एक है आपको समबाहु त्रिभुज, ठीक है, क्या है, भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें पढ़ना है, पहला आपका समबाहु त्रिभुज किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पर, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज दूसरा हो गया, और तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। पहला क्या हुआ, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के, ठीक है, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पे जो त्रिभुज होंगे वो भी तीन प्रकार के होंगे, उसमें आपको पहला पढ़ना है, ठीक है, पहला आपका है भुजाओं के कोणों के आधार पे, सबसे पहला पढ़ना है आपको, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज, और अगला पढ़ना है दूसरा, दूसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज, कैसा, अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा आपको पढ़ना है, तीसरा आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक, क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज के प्रकार में हम क्या पढ़े, दो प्रकार के हो, त्रिभुज के प्रकार में त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। कोणों के आधार पर एक न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा हम पढ़े, ठीक है, आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज के प्रकार के बाद अब हमें पढ़ना है, ठीक है, इसके अलग अलग प्रकार। एक बार भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, सबको एक एक करके हम आगे पढ़ते रहते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।